मैं दीपक कुमार जेना, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने जॉब स्टार्ट किया दिल्ली में 2000 से। जॉब में तो मैंने दो ही तीन कंपनी ज़्यादातर काम किया हूँ, और लास्ट कंपनी मेरा था, उसमें मैंने पूरा प्लांट हेड था, तो हर चीज़ का उसमें मेरे को नॉलेज था। तो इसीलिए मैंने जब बंद हुआ तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही स्टार्ट करूँ। मैंने अपना काम शुरू किया मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रेक लाइनिंग इंडस्ट्री में। उसमें ही मेरा एक्सपीरियंस था ब्रेक लाइनिंग में। मैं ब्रेक लाइनिंग स्टार्ट किया 2015 से, और दो तीन लड़कों के साथ में ले गए मशीनरी वगैरह ले गए, फिर स्टार्ट किया अपना प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट किया, और धीरे धीरे सेल किया मार्केट में, मटेरियल को सेल करना शुरू किया। मैं 2016 में आमिर जी से मिला नहीं, फ़ोन पे ही हमारी बात हुई। सऊदी अरब से सबका कॉल आया था, हमने फोन टच पे ही काम शुरू किए। मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया आमिर जी के कहने पे सऊदी अरब के लिए। फिर सऊदी अरब के लिए हमने एक्सपोर्ट शुरू किए। हम धीरे धीरे आज के डेट पे हमने 40 से 50 लाख का टर्नओवर कर रहे मंथली, और 4 साल हमारी अच्छा काम चला। हर दूसरे तीसरे महीने में एक कंटेनर हमने भेजते थे आमिर जी को। तो 5 साल तक हम मिले नहीं थे, बस फ़ोन पे ही हमारी बिजनेस चल रहा था। उस टाइम जब मैंने ये किया था आमिर जी से, फ़ोन पे ही बात होकर काम स्टार्ट हुआ था। उस टाइम 3 से 4 वर्कर थे मेरे साथ काम कर रहे थे। आज की डेट पे 5 साल के बाद हम 30 बंदे काम कर रहे हैं मेरे साथ, और हमने 5 साल के बाद ही हमारी मुलाकात हुई आपस में। मैं जब वो आमिर जी से बातचीत हुई तो हमारा स्टार्ट हुआ काम, तो मैंने खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने से आमिर जी इतना सपोर्ट दिए मेरे को, वहाँ से बिना फ़ोन पे ही ऑर्डर लिखवाए मैंने पहले स्टार्ट किया काम। उन्होंने धीरे धीरे मेरे को डेवलप कराए। मेरे कंपनी में बहुत कम मशीन था, फिर पार्ट भी बहुत कम था एक्सपोर्ट के लिए। उन्होंने सारे चीज़ फिर मेरे को वहाँ से गाइड किए, सैंपल दिए, हमने डाई डेवलप किए, पार्ट से और डेवलप किए। वो आज की डेट में हमने ऑल पार्ट मतलब 80% करीब मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और 80% हम भी मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरब के लिए। आमिर जी ने इतना हमें सपोर्ट दिए, वहाँ से छोटा कंपनी होने भी बड़े, बाहर से तो बहुत बड़े बड़े कंपनी आते हैं, हमें कोई प्रीफर नहीं करते थे उस टाइम कि इनके छोटे कंपनी है, इनके पास नहीं होगा पार्ट्स, नहीं होगा सारे अवेलेबल नहीं होगा, तो नहीं। लेकिन आमिर जी ने वो सपोर्ट दिया हमें कि वहाँ सैंपल भेजे, डेवलप भी हमने यहाँ कराए सारे कुछ, और उन्हीं को ही सप्लाई दिए। बस फ़ोन पे ही हमारी बातचीत होकर हर चीज़ होता था। अब आज की डेट में हम लोग हमें ही प्रीफर करते हैं कि मटेरियल लेने के लिए, कि इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। 10 साल पहले 2010 के आसपास में इंडिया से बहुत कम एक्सपोर्ट होता था ब्रेक लाइनिंग बाहर के लिए, सऊदी अरब के लिए ज़्यादातर चाइना से ही आता था। अब आज की डेट में 80% 70 से 80% मटेरियल इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है। और आमिर जी का बहुत जोर रहा मेरे से भी कि हमने इंडिया का पूरा ब्रेक लाइनिंग एक्सपोर्ट कराने में बहुत योगदान रहा, कि हमने इंडिया से ही ज़्यादातर लोग खरीदने के लिए भी आते हैं। मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरब में, और धीरे धीरे आज की डेट में 80% पहुंच गया मेड इन इंडिया।